आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक पहले हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 2x² + ax - a² = 0। विधि वही है, अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक दोनों का गुणा कर लेंगे और गुणनफल यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि मिल गया 2a² 2a² का ऐसा खंड करना है, गुणनखंड करना है कि यहां पर देखिए क्या है ऋण, ये घटाने पर क्या है वे ए है ना। तो यहां पर हम कर देंगे 2a * a है, 2a में से a घटा देंगे तो a बचेगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर 2x² + 2a - a * x - a² = 0। ब्रैकेट तोड़ दें, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2x² + 2ax - ax - a² = 0। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है, दो दो का जोड़ा बना लेंगे। यहां पर देखिए 2x कॉमन बचेगा, क्या यहां पर x बचेगा और प्लस 2x बाहर हो चुका तो a बचेगा, यहां पर देखिए माइनस है तुरंत माइनस लगा देंगे। अब ax और a² में क्या कॉमन है, a कॉमन है क्योंकि यहां पे x है, यहां पे x है ही नहीं तो x के बारे में तो विचार ही नहीं करना है। a कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा यहां पर x, चूंकि माइनस का मान ले रहे हैं तो प्रभाव पड़ेगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहां भी प्लस हो जाएगा। अच्छा a कॉमन लिया है तो x बचा, यहां a स्क्वायर है, a स्क्वायर में से a कॉमन यानी a बचेगा। अब यहां पर देखिए x + a सही रास्ते पर हम लोग हैं, कॉमन ले लीजिए x + a तो बचेगा क्या 2x - a = 0। अब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। अगर ये जीरो होगा, यदि x + a = 0, दिस इंप्लाइज x - a, और यदि 2x - a = 0, दिस इंप्लाइज देखिए a उधर भेजेंगे तो प्लस a हो जाएगा, फिर बटे में 2 एक्स बराबर हो जाएगा a/2, यानी कि x के कितने मान हो जाएंगे, दो मान, एक माइनस a, दूसरा a/2। ठीक है, ये दो मान हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन है 4√3x² + 2x - 2√3 = 0। नियम वही एक, अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका जीरो, उसका गुणनफल करें तो गुणनफल में क्या हो गया, देखिए अचर पद √2√3 × 4√3 कितना हो जाएगा 4 × 8 और √3 √3 3 हो जाएगा, 4 × 8 = 24। अब 24 का ऐसा खंड करना है कि घटाने पर, क्योंकि माइनस है ना, घटाने पर क्या आवे 2 आवे, तो क्या हो जाएगा 24 का खंड, अच्छा 24 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 4√3x² + 6 − 4 × x - 2√3 = 0। ब्रैकेट तोड़ दें, 4√3x² + है तो अंदर माइनस, ये चिन्ह का कोई बदलाव नहीं होगा, तो हो गया 6x - 4x है ना, x का इसमें भी गुणा इसमें भी गुणा और चिन्ह नहीं बदलेगा, यहां पर 2√3 = 0।
दो का जोड़ा बना दे, इसको एक साथ ले ले, इसको एक साथ ले ले, और देखें इसमें क्या कॉमन है। यहां पर देखिए फिर मैटर फंसेगा, यहां रूट थ्री है, इसको भी रूट थ्री की तरफ बना ले। कैप कैसे करेंगे, फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ऐसा करें टू रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री एक्स, रूट थ्री थ्री दो तीन छह हो जाएगा, माइनस फोर एक्स माइनस टू रूट थ्री बराबर जीरो। अब देखिए रूट थ्री यहां है, रूट थ्री यहां है, कॉमन हो जाएगा, चार यहां दो यहां, यानी कि दो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स है तो एक्स भी कॉमन, तो क्या मिला कॉमन, टू अंडर रूट थ्री एक्स, इतना कॉमन मिलेगा। तो टू अंडर रूट थ्री एक्स, देखिए टू अंडर रूट थ्री एक्स कॉमन हो गया, तो यहां से दो बचा और यहां पर एक्स, तो यहां हो गया टू एक्स प्लस टू अंडर रूट थ्री एक्स बाहर, तो यहां बचेगा अंडर रूट थ्री। ठीक है, यहां माइनस तुरंत माइनस लगाएंगे, इसमें क्या कॉमन है, एक्स यहां पर है, एक्स यहां पर है ही नहीं, तो एक्स के बारे में तो बात ही नहीं करना है। यहां पर चार है, यहां पर दो है, तो दो कॉमन, यहां रूट थ्री, यहां रूट थ्री का कुछ है नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करना, तो दो कॉमन आएगा, दो कॉमन ले लिए, तो यहां पर दो और एक्स बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ये है ना, तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा, दो बाहर हो चुका है, तो रूट थ्री बराबर जीरो। अब टू एक्स प्लस रूट थ्री, टू एक्स प्लस रूट थ्री दोनों आ गया बराबर है, इसका मतलब कि हम सही जा रहे हैं। इसको कॉमन कर लीजिए, टू एक्स प्लस रूट थ्री और यहां पर टू अंडर रूट थ्री एक्स माइनस दो बराबर जीरो। अगर ये जीरो होता है, दिस इंप्लाइज, देखिए बराबर की जब उस पार ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस अंडर रूट तीन और फिर बटे में दो, एक्स बराबर माइनस अंडर रूट तीन बटा में दो। यहां पर टू अंडर रूट थ्री एक्स माइनस दो बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज, देखिए दो जब उधर जाएगा तो माइनस है तो उधर जाएगा प्लस, फिर बटे में टू अंडर रूट थ्री, दो से दो कट जाएगा, एक्स का मान आएगा एक बटा अंडर रूट थ्री, यानी कि एक्स के कितने मान, दो मान, कितना कितना, अंडर रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट थ्री, ये आंसर। अच्छा एक काम इसमें और कर सकते थे, देखिए यहां पर चार है, यहां पर दो है, यहां पर दो है, तो अगर हम शुरू में दो कॉमन लिए होते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहां पर जो दो कॉमन आ रहा है वो नहीं करना पड़ता, बाय द वे कोई दिक्कत नहीं है इससे, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम कॉमन, हम दो कॉमन इसलिए नहीं लिए कि जो पैटर्न चल रहा है हमारा कि अचर पद और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका गुणा करना है, उसको गुणनफल के दो भागों में तोड़ना है, और तोड़ना इस प्रकार है कि जोड़ने के, जोड़ने या घटाने पर जो x का गुणांक है उसके मान के बराबर आ जाए। ठीक, तो इतना ही करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये तो अलग है, लेकिन अलग नहीं है, इसमें थोड़ा सा काट छाट कर देंगे तो हमको फिर से वही द्विघात समीकरण मिल जाएगा जिससे हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आठ सबके बटे में एक्स और बराबर दो, दो एक्स का इधर गुणा करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा, इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस आठ बराबर टू एक्स को इधर ला दीजिए, जब ये इधर आ जाएगा तो यहां पे जीरो बचेगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो। ठीक है, मिल गया द्विघात समीकरण, यहां पर थोड़ा सा अजीब लग रहा था लेकिन अब तो आ गया। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का यहां पर गुणांक वन है, तो
अब कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ क्या करना है आठ का ऐसा गुणनखंड करना है कि घटाने पर माइनस है ना, घटाने पर क्या आवे दो आवे। आठ का क्या खंड होगा, चार गुणे दो, और चार में से दो घटा देंगे तो दो भी मिल जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू और यहां पर एक्स माइनस आठ बराबर जीरो। अब ब्रैकेट तोड़ दें, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, देखिए बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो अंदर जो है प्रभाव पड़ेगा इसका, तो यहां माइनस हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस टू एक्स माइनस एक बराबर जीरो। अब जोड़ो, अब क्या करेंगे दो दो का जोड़ो बनाएंगे, यहां दो का जोड़ा यहां, तो इसमें क्या कॉमन है, केवल एक्स कॉमन है, यहां बचेगा क्या x माइनस फोर, यहां x और यहां पर फोर, तुरंत प्लस लगाएंगे पहले है ना, यहां पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब दो एक्स और आठ में x की तो बात ही नहीं करना है क्योंकि यहां पर x है, यहां पे है ही नहीं, तो x के बारे में तो बात ही नहीं करना है, दो और आठ को देखना है, दो और आठ में क्या कॉमन आएगा, केवल दो कॉमन आएगा, दो यहां कॉमन ले लिए, बचेगा क्या x माइनस चार, ठीक है, ये और ये बराबर आ गया। अब x माइनस चार और x प्लस टू बराबर जीरो, हाँ चलो, तो x माइनस फोर और x प्लस टू, अगर ये जीरो होगा x माइनस फोर बराबर जीरो, दिस इंप्लाइज x, ये चार जब उधर जाएगा तो माइनस है, दो दो जाएगा प्लस, एक्स बराबर प्लस चार, ये जीरो होगा तो दिस इंप्लाइज ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी एक्स बराबर माइनस टू, यही दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट बराबर जीरो, हम तो सोच रहे थे इसको छोड़ दें लेकिन ये आ गया वन बाई एट, है तो कुछ नहीं लेकिन थोड़ा सा अलग आ गया, तो हम सोचे बता देते हैं इसको, एक बटे आठ है, आठ लघुत्तम, ठीक है, सबके बटे में एक है, आठ में एक से भाग देंगे आठ बार, दो का ऊपर गुणा कर देंगे तो सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ ऊपर एक्स में गुणा आठ एक्स, आठ में आठ का भाग एक, एक का एक में गुणा एक ही आएगा। अब इस आठ का जब जीरो में गुणा कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल यही ऊपर वाला, अनसोलह बचेगा, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब क्या करना है, ये अचर और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक सोलह, सोलह का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने पर प्लस है ना, तो जोड़ने पर आठ हवे, सोलह का खंड करना है कि जोड़ने पर चार गुणे चार है ना, चार और चार जोड़ देंगे तो आठ आ जाएगा, यहां हो गया सोलह एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो, ब्रैकेट तोड़ दीजिए, सोलह एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, फोर एक्स का भी गुणा करते चले, फोर और यहां पर प्लस वन बराबर जीरो, क्या कॉमन आएगा इसमें, एक्स 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 कॉमन, चार सोलह चार कॉमन, यानी कि फोर एक्स, फोर एक्स कॉमन, तो यहां पे सोलह में चार से भाग देंगे तो चार एक्स स्क्वायर निकल चुका है, तो यहां बचेगा फोर एक्स, ये पूरा पूरा निकल गया माइनस वन। अच्छा देखिए फोर एक्स कॉमन लिए है ना, तो ऐसा नहीं कि यहां पर जीरो बच जाएगा, फोर एक्स कॉमन ले लिए हैं तो वन बचेगा, फोर एक्स कॉमन का मतलब क्या हुआ, फोर एक्स में फोर एक्स का भाग काट देंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। इसी तरह से सोलह एक्स स्क्वायर में से फोर एक्स कॉमन लिए हैं तो क्या क्या देखिए, ये चार और एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एक्स गुणे एक्स, ये कट गया तो बचेगा चार एक्स, यही चार एक्स यहां पर बचा है,
ठीक है। अब यहां पे माइनस, तुरंत माइनस लगाएंगे, इसमें और इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, जब कोई चीज कॉमन ना हो तो वहां पर एक कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, देखिए माइनस कॉमन लिए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। बस इस तरह की चीज दिख जाए तो समझिए कि संतुष्टि मिल जाए, क्योंकि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब 4x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, 4x माइनस 1। अच्छा, इसमें भी वही चीज बच गया, ठीक है, दोनों चीज बराबर है ना, दोनों चीज बराबर है, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो, और तो x बराबर कितना होगा, 1/4। वही चीज इसको भी करेंगे तो वही चीज आएगा, इसको भी करेंगे तो वही चीज आएगा, तो दोनों मान हो गए। दिस इंप्लाइज x बराबर 1/4 और 1/4, ठीक है, ये तो मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 100 और अचर पद 1, 1 और 100 का गुणा 100 हुआ। अच्छा देखिए, जिसे हम लोग सिर्फ एक्स स्क्वायर का गुणांक कर रहे हैं ना, एक्चुअल में ये पूरा इसके साथ गुणनफल होता है, एक्स स्क्वायर भी रहता है, लेकिन और इसको जो दो भाग में काटते हैं, दो भाग में जो बांटते हैं, तो उन दोनों भागों का एक्स के साथ जब गुणनफल करते हैं तो इसका और इसके गुणनफल के बराबर आता है। 100 का गुणनफल इस तरह से करना है कि जोड़ने पर प्लस है ना, जोड़ने पर 20 आवे, यानी 10 × 10, ठीक है, तो यहां पर हो गया देखिए 100x² − 10 + 10 × x + 1 = 0, ब्रैकेट तोड़ दे, माइनस, देखिए माइनस है तो इस पे प्रभाव पड़ेगा, दोनों माइनस हो जाएंगे और यहां पर हो जाएगा +1। आप जोड़ा बनाएंगे इसमें तो देखिए, इस 100 को क्या करें, हम 10 × 10 लिख दें, और मैं एकदम सिंपल विधि बता दे रहा हूं कॉमन लेने का, और -10x यहां पर 1 × 10x + 1 = 0। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 10 × x कॉमन ले लिए तो बचा क्या, हाँ देखिए 10x कॉमन ले लिए तो 10 × x बचा माइनस। अच्छा यहां पे 10 × x कॉमन, यहां पे ऐसा कर दीजिए 1 × कर दीजिए तो 10x कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या 1, माइनस, तुरंत माइनस लगाएंगे, यहां पर 10x यहां पर 1, कोई चीज कॉमन नहीं है तो 1 दोनों जगह है ना, 1 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, चूंकि माइनस बाहर है तो अंदर प्रभाव पड़ेगा, 10x - 1 = 0 बराबर आ गया, तो हो गया 10x - 1 और यहां पर भी हो गया 10x - 1 = 0, ये और ये बराबर है, एक को भी अगर 0 कर देते हैं तो दूसरा मान भी वही आएगा, तो 10x = 1 या x = 1/10, इसको भी करेंगे तो वही चीज आएगा, दिस सिंप्लाइज x का मान 1/10 1/10, दोनों मान समान आएंगे।